दोस्तों आज हम बना रहे हैं उड़द लोबिया। तो दोस्तों ये वाले 2 कप हमने उड़द लेने हैं दोस्तों, और 1 कप दोस्तों हम लोबिया का लेंगे। ये भी हमने इसके अंदर मिला दिया है, और दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम अब पानी में वॉश कर लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, उड़दों को हमने वॉश कर लिया है, और अभी इन्हें दोस्तों हम 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। तो उड़द बनाने के लिए हमने कुकर में थोड़ा पानी रख दिया है, और पानी भी दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों अब हम पहले उड़द डालेंगे। उड़द हमने दोस्तों अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, ये देखें आप। तो सारे के सारे उड़द दोस्तों हम इसके अंदर घेर देंगे। तो अभी दोस्तों हमारा एक बॉयल आ जाए, तो उसके बाद इसके अंदर फिर हम साबुत मसाले लगाएंगे। तो ये देखें दोस्तों आप, उड़दों में हमारे बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। तो एक बार इसे हम चला देंगे, और अब दोस्तों इसके अंदर हम सारे के सारे साबुत मसाले हम डालेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों हम डाल रहे हैं 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 दोस्तों हरी इलायची, 8-10 पीस काली मिर्च, 3-4 दोस्तों लौंग, और 1 टुकड़ा दोस्तों दालचीनी का। और ये सब डाल के दोस्तों 1 मिनट तक हमें इसको रुकना है, ताकि जो है हमारे साबुत मसालों का टेस्ट जो है इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। दोस्तों गैस का फ्लेम हम बिल्कुल सिम रखेंगे। ये दोस्तों 2 टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, ये भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। साथ ही दोस्तों ये 3 हरी मिर्च हैं, ये भी हमने इनको बीच में से चॉप कर लिया है, डाल दिया है दोस्तों। और ये दोस्तों अदरक है, अदरक के हमने लच्छे बनाए हुए हैं, ये भी आप डाल दीजिए। आप चाहें तो दोस्तों इस समय इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आज घर पर फास्ट है दोस्तों। ये सब कुछ डाल के दोस्तों एक बार इसे हम अच्छी तरीके से चला देंगे। एक बॉयल भी हमारा आ चुका है इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारा बॉयल भी आ गया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर हम लगाएंगे मसाले। तो 1/2 टीस्पून दोस्तों हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार दोस्तों नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रंगीन मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून दोस्तों गरम मसाला। ये सब दोस्तों हमने इसके अंदर लगा दिया है, और एक बार इसको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम अब चला देंगे। और गैस का फ्लेम दोस्तों बिल्कुल सिम रखेंगे, क्योंकि इसको हम सिम गैस पर ही पकाएंगे दोस्तों। और इसी समय दोस्तों इसके अंदर आप करीब 30 से 40 ml सरसों का तेल दोस्तों हमने डाल दिया है। दोस्तों 1 चम्मच करीब हमने इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दी है क्रश करके, और आप इसे चला दीजिए एक बार। तो आप देखें दोस्तों इसके अंदर कितना प्यारा हमारा इसमें बॉयल आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें आज सीटी नहीं लगाएंगे, हम गैस सिम करके ही दोस्तों इसको पकाएंगे। तो आप दोस्तों इस पे इस समय ढक्कन लगा दीजिए। आप चाहें तो दोस्तों सीटी भी लगा सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे, लेकिन मैं सीटी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने गैस का सिम कम कर दिया है। और इसे लगभग दोस्तों मैं आधे घंटे तक दोस्तों इसी तरीके से पकाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आधे घंटे के बाद। तो दोस्तों आधे घंटे के बाद आप ये देखें, प्रेशर भी अपना आप कुकर का रिलीज हो गया है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे उड़द लोबिया कैसे बने। बहुत ही यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार घर पर। आप चाहें तो दोस्तों इसमें सीटी भी लगा सकते थे। तो हम अगर सीटी लगाना चाहते तो दोस्तों 3 सीटी में ही हमारे उड़द बनके तैयार हो जाते, लेकिन मैंने दोस्तों इसको सिम गैस पे पकाए हैं, इसका बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा दोस्तों। तो ये देखें, तो दोस्तों अभी इसके अंदर कुछ बैलेंस मसाले हमारे रह गए हैं लगाने के लिए दोस्तों, तो वो भी दोस्तों अभी हम लगाएंगे। बहुत ही प्यारी रेसिपी दोस्तों आज बनके हमारी तैयार हुई है, उड़द लोबिया बिल्कुल गाँव के तरीके से। तो दोस्तों इस समय इसके अंदर आप 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और लगा दीजिए दोस्तों, और इसको जीरा पाउडर डाल के दोस्तों 1 मिनट तक हम इसी तरह भूनते रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों अब हम बनाएंगे उड़दों के लिए तड़का, बिल्कुल कड़क तड़का दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलें चलते हैं तड़का बनाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए दोस्तों हमने कड़छी ले ली है, और आप गैस जला दीजिए। तो तड़का दोस्तों आज हम देसी घी में लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप करीब दोस्तों 4 चम्मच दोस्तों इसके अंदर हमने देसी घी डालना है। तो ये देखें दोस्तों घी हमने डाल दिया है। तो अब घी भी दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है। तो
तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 साबुत लाल मिर्चें दोस्तों डाल दी हैं, साथ ही दोस्तों 1 चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून दोस्तों साबुत धनिया भी डाल दिया है हमने, और 1/2 टीस्पून दोस्तों सौंफ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों 1 चुटकी हींग, हींग डालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हमने दोस्तों इसके अंदर डाल दिया है। और अब हमारा तड़का दोस्तों आप देखें बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। आज हम बना रहे हैं उड़द लोबिया, तो बहुत ही प्यारी बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। आप इसको ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करें और इसी तरीके से दोस्तों आप तड़का बनाएं तो एकदम बिल्कुल बेहतरीन उड़दों में हमारे टेस्ट आएगा। हो चुका है, तो इसको धीरे धीरे करके दोस्तों हम लगाएंगे और साथ में दोस्तों इसके अंदर ढक्कन लगा देंगे तो तड़का दोस्तों हमने लगा दिया है। तो तड़का हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों उड़द लोबिया में लग चुका है। तो ये देखें दोस्तों कितने बेहतरीन उड़द लोबिया दोस्तों हमारे बन के रेडी हुए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों अब मैं आपको उड़दों को सर्व करके दिखाता हूँ अभी, तो आप रेसिपी को ज़रूर दोस्तों एक बार इस तरीके से घर में बनाएं, बहुत ही बेहतरीन सिंपल तरीके से बनाएं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे उड़द लोबिया हमारे बन के तैयार हुए हैं, तो अब मैं आपको दोस्तों इन्हें सर्व करके दोस्तों दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं उड़दों को सर्व कर रहा हूँ, तो ये देखें उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है दोस्तों, और आप मैं उसके अंदर उड़द डाल रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही प्यारी बहुत ही यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आप भी इसको एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करें दोस्तों। तो दोस्तों इस समय इसके अंदर आप 2-3 चम्मच देसी घी दोस्तों और डाल दीजिए। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। आपका प्यार मेरी ताकत है दोस्तों, अपना प्यार आप इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय लक्ष्मण सिंह।